हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिमेनिंग चैप्टर ऑफ ईबीएस। सो यस्टरडे हमने 15 चैप्टर ईबीएस का लर्न किया था, ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड। ओके, इट मींस उसी से गर्म उसी से ठंडा। जैसे कि इस चैप्टर के अंदर क्या है, एक स्टोरी है वुड कटर की। वुड कटर मींस लकड़हारे की स्टोरी है, ठीक है। तो वो जंगल में जाता है तो उसने कुछ ऐसा देखा कि एक जो व्यक्ति था वो क्या कर रहा था, फूंक मार के अपने हाथों को भी गर्म कर रहा था। और जब उसे भूख लगी खाने के लिए तो आलू उसने क्या किए थे, बॉईल किए हुए थे। जब पोटैटो को वो खा रहा था तो पोटैटो ज़्यादा गर्म था तो उसको क्या कर रहा था, वो फूंक मार के ठंडा कर रहा था। तो ऐसे ही रिलेटेड कुछ हम क्या करते हैं, थिंग्स देखते हैं। देखिए, जैसे कि थिंक एंड टेल। जैसे कि आपने कभी कपड़े में फूंक मार के देखी है, अगर आप कपड़े में फूंक मारते हैं तो क्या होता है, वो कपड़ा गर्म हो जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, फोल्ड अ पीस ऑफ क्लॉथ 3-4 टाइम। एक एक छोटे से क्लॉथ को यानी कि हैंकी को 3-4 टाइम फोल्ड कीजिए। नाउ ब्रिंग टू क्लोज योर माउथ एंड ब्लो हार्ड ऑन इट। ओके, डू यू क्लोथ बिकम वॉर्म। आप अपने मुंह के पास ले जाके उसको फूंक मारिए 3-4 बार, तो हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, कि वो क्लोथ कैसा हो गया, गर्म हो गया, ठीक है, हॉट हो जाएगा। फिर बलस्ते शो दैट वुड कटर वॉज ट्राइंग टू कूल हॉट पोटैटो बाई ब्लोइंग ऑन देम। आप ब्लो बलस्ते था, उसने क्या देखा था कि जो वुड कटर था वो क्या कर रहा था, फूंक मार के उस पोटैटो को कोल्ड यानी कि ठंडा कर रहा था, ठीक है। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ हैड ईटन और पोटैटोज विदाउट कूलिंग देम। अगर वह उस पोटैटो को बिना ठंडा किए ही अगर खा लेता तो क्या हो जाता, उसका मुंह जलता, ठीक है, वो खा नहीं सकता था क्योंकि वो ज़्यादा गर्म था। हैव यू यूवर वंट योर टंग। कभी आपके खाने में कुछ गर्म खाने से कोई कभी आपकी जीभ जली हुई है, ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा होता है ना। चलिए, हाउ डू यू कूल सम फूड व्हेन इट टू हॉट, ठीक है। कुछ ऐसे भोजन खाने से हमारी कभी कभी क्या हो जाती है, टंग वर्न हो जाती है, जल जाती है। इफ़ यू वर टू कूल दीज 3 हॉट थिंग्स, जैसे दाल रोटी राइस इन वेज, वुड यू लाइक सो। जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख लीजिए, पिक्चर फर्स्ट, मिनी ट्राइड टू कूल हर टी बाय ब्लोइंग इन इट। मतलब कितने ऐसे तरीके होते हैं जिनके तरीके से, जिन ऐसे आइडिए से हम किसी चीज़ को ठंडा कर सकते हैं। तो क्या है, फूकने, इस पिक्चर में वो मिनी क्या कर रही है, अपनी टी को फूक रही है। मिनी ट्राइड टू कूल हर टी बाय ब्लोइंग ऑन इट, विच डू यू थिंक विल बी वॉटर। मिनीज टी और ईयर ब्लो फ्रॉम हर माउथ। वो अपने प्लेट में रख के क्या कर रही है, अपनी चाय को ठंडा कर रही है। अब सेकंड पिक्चर में देखिए, सोनू वाज फीलिंग वेरी कोल्ड। सोनू को बहुत ठंड लग रही है, ही केप्ट ब्लोइंग ऑन दिस हैंड। अब वो क्या कर रहा है, अपने हाथों को रगड़ रहा है और हाथों को फूक भी रहा है ना। नाउ थिंक एंड राइट व्हाट विल बी कूलर सोनू हैंड्स ऑन ऑफ हिज ब्रीथ। उसकी सांसों से फूक के वो क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है, ठीक है। इस तरह से ये हमारे कोल्ड एंड हॉट से रिलेटेड क्या कुछ डिस्कशन था इस चैप्टर में जो हमने लर्न किया। आगे कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे कि राइट, कैन यू नेम सम थिंग्स विच प्रोड्यूस मोलोडियस और प्लीजिंग साउंड व्हेन वी ब्लो इनटू देम, ठीक है। ये क्या है, जो पिक्चर दी हुई, ये बलिस्ता है, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इट इज़ अ बलिस्ता, जो हमारी इस चैप्टर की स्टोरी में बलिस्ते का उसने काम किया। और दूसरा ये क्या है, एक बॉय है, ही हैव यू सीन समथिंग ब्लोइंग देयर स्पेक्टेकल टू वाइप वन देम क्लीन। देखिए वो ये क्या है, गोगल लिए हुए, चश्मा उसने लिए हुए है, अब ऐसा लग रहा है कि वो वाप से फूक रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए वो अपनी ग्लास को साफ करने के लिए अगर अपने मुंह से फूकेगा तो ऑब्वियसली उसके गूगल पे क्या हो जाएगी, कुछ वो पेपर या वाप जमा हो जाएगी, उसको पहुंच के वो क्या कर रहा है, क्लीन कर रहा है। टेक अ ग्लास, एक ग्लास लीजिए, ब्रिंग अ नियर ऑन माउथ, अपने मुंह के पास ले जाइए, एंड ब्लो हार्ड ऑन इट, और डू दिस 2 or 3 टाइम, डज ग्लास लुक हैजी। अगर आप दो से तीन बार अगर ग्लास में फूंक मारते हैं तो वो कैसा हो जाता है, ग्लास धुंधला हो जाता है। ओके, कैन यू मेक अ मिरर हैजी इन द सेम वे, टेल वाई टचिंग द मिरर व्हाट मेड इट हैजी।
यू यू ब्लो फ्रॉम द माउथ ड्राई और वेट। आप अगर हम कांच के पास जाके भी क्या करते हैं, फूंकते हैं, तो उसमें क्या वाप जमा हो जाती है। पुट योर हैंड इन योर चेस्ट, डू यू ब्रीथ, योर चेस्ट कम आउट ऑन गो। देखिए म्यूजर और चेस्ट, टेक अ डीप ब्रीथ इन। देखो क्या होता है, आपको पता है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, स्टेथोस्कोप से हमारे हार्ट बीट यानी कि हृदय की धड़कन को पता करता है, वो सुन सकता है। तो इट मीन्स उसका नाम क्या होता है, उस चीज़ का नाम क्या होता है जिससे कि वो हार्ट बीट को चेक करता है, उसे हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, वो क्या इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है, राइट। वैसे भी जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, ये आप डायग्राम देख लीजिए, ये पिक्चर है, इसमें वो क्या कर रही है, अपनी हार्ट बीट को सुनने की कोशिश कर रही है। आपने कभी देखा होगा द क्लॉक इनसाइड यू, क्या आपके पास आपके अंदर कोई घड़ी है जो बार बार टिक टिक की आवाज़ करती है। हैव यू ऑल हार्ड इन दिस टिक टिक ऑफ दैट क्लॉक। हैव यू सीन आर डॉक्टर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप टू लिसन टू योर चेस्ट। आपकी हृदय की धड़कन को सुनने के लिए डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप का उपयोग कर लेते हैं। वाई डू यू थिंक सी हर सी हेयर, क्या आपने भी ऐसा सुना है क्या, वेयर इज़ द साउंड कमिंग फ्रॉम, इज देयर इज क्लॉक इन साइड योर चेस्ट एंड कीप टिकिंग अबे, है ना। तो हमारे अंदर से हृदय से किसकी आवाज़ आती है, टिक टिक की, यानी कि हृदय की धड़कन की आवाज़ आती है, जो वन वन एक मिनट में कितनी बार हमारा हृदय धड़कता है, 72 टाइम। ओके सो इस चैप्टर में इतना ही था, बाकी इसकी PDF मैंने आपको कल सेंड कर दी थी, आप अपने CW कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।